हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करूंगी अनबॉक्सिंग हमारे सैमसंग के एक लेटेस्ट एम सीरीज के डिवाइस की, जो कि ये है हमारा सैमसंग का M52 5G। सैमसंग का M51 तो बहुत लोगों का फेवरेट था, मेरा भी फेवरेट था। अब इसको खोल के देखते हैं कि ये हमारा फोन कैसा है। सो ये रहा हमारा बॉक्स, फटाफट से खोलते हैं। मेरे पास आईसी ब्लू कलर में है डिवाइस, इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट। सो ये रहा हमारा डिवाइस, जो कि आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में है मेरे पास। डिवाइस के प्राइस की बात कर लेते हैं। इस डिवाइस का 6GB 128GB वाला वेरिएंट हमारा वैसे 26,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस डिवाइस के ऊपर अभी ऑफर चल रही है और आपको 24,500 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। और जैसे कि सेल डिस्काउंट के बाद भी ये डिवाइस बिक नहीं रहा, तो इसके ऊपर 1,000 रुपए का और डिस्काउंट आ गया है। मतलब अब आप इस डिवाइस को 23,500 रुपए के प्राइस में भी खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका खरीदने का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो डिवाइस को हाथ में होल्ड करते ही आपको ये डिवाइस बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही स्लिम फील होगा। मतलब सिर्फ हमारा 174 ग्राम्स का डिवाइस है ये, जिसके अंदर आपको 7.4mm की थिकनेस मिल जाती है। मतलब यहाँ पे आती है बहुत ही ज्यादा दुख की बात, स्लिम डिवाइस है, इससे हमें दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि सैमसंग का जो हमारा M51 था उसके अंदर हमें मिल रही थी 7000mAh की बैटरी। पूरा दिन आप डिवाइस को यूज करो, कोई टेंशन की बात नहीं, अपना एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे डिवाइस की बैटरी को कर दिया गया है कम, आपको यहाँ पे मिल रही है 5000mAh की बैटरी। यहाँ पे दुख खत्म नहीं होता आप लोगों के लिए, एक और दुख है कि आपको उस डिवाइस के साथ M51 के साथ मिल जाती थी हमारी 25W की चार्जिंग, और यहाँ पे देखा जाए तो बैटरी कम कर दी गई है तो चार्जिंग भी कम कर दी गई है। आपको अब मिलेगी 15W की चार्जिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमारे पास 15W का चार्जर है। मतलब अब आपको 2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे डिवाइस को फुल चार्ज करने में। तो देखा जाए तो जो लोग M51 यूज कर रहे थे और अब अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही अजीब सा लगेगा कि अब उनका डिवाइस जल्दी खत्म हो रहा है पहले कंपैरिजन में। मतलब मेरे हिसाब से तो सेम 7000mAh की बैटरी ही मिलनी चाहिए थी, उल्टा चार्जिंग पे काम करना चाहिए था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए था, बट यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग दोनों कम हो गए हैं। तो मतलब डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में स्लिम लगेगा, लाइट वेट लगेगा, लेकिन आपको कोई प्रीमियम फील नहीं आएगी। इस डिवाइस के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है प्लास्टिक फ्रेमिंग के साथ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ब्लू कलर है उसमें आपको बैक साइड में टेक्सचर्ड लाइन सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। वैसे एकदम स्मूथ डिवाइस है बैक साइड से, लेकिन आपको अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो पक्का से इसका कवर भी जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं कि क्लीन कर करके मैं थक गई हूँ। और जो इसका डिजाइन है, जो उसकी लुक है, उसकी वजह से उसके ऊपर स्क्रैचेस भी जल्दी पड़ेंगे और वो बहुत ज्यादा उभर उभर के नजर आएंगे। तो बेटर रहेगा अगर आप इस फोन को खरीदते हैं उसी टाइम पे आप इसका कवर भी खरीद ले। इसके अलावा वैसे डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हैं कि 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलता। और बड़ी बात क्या है कि बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, इंजेक्शन पिन, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको कोई ईयरफोन्स या फिर आपको कोई कनेक्टर भी नहीं मिलता, तो आपको वो भी बाहर से परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे की साइड हमारा सिंगल स्पीकर आता है डिवाइस का, उसके साथ हमारा यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है, उसके साथ है हमारा माइक। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन के अंदर आता है फिंगरप्रिंट लॉक, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी क्विकली हमारा डिवाइस को ये अनलॉक कर पा रहा है। उसके ऊपर है हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स, टॉप साइड में हमारे पास सेकेंडरी माइक आता है और लेफ्ट साइड में हमारे पास आती है सिम ट्रे। यहाँ पे आप अपने 2 सिम कार्ड के साथ अपना एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं और आपको इस डिवाइस के अंदर 5G सपोर्ट भी मिल जाता है, वो भी 11 बैंड्स में। तो ये चीज भी बढ़िया हो गई। इसके साथ डिवाइस के फ्रंट साइड में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, बैक में तो आप कवर चढ़ा के बचा लो तो बचा लो। तो ओवरऑल देखा जाए तो लुक वाइज मुझे इतना कोई खास नहीं लगा डिवाइस। मतलब M51 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो भी मेरे पास ब्लू में भी है, वैसे ब्लैक कलर में भी था, उसके अंदर भी ये था कि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आते थे और जैसे उसके ऊपर हमारे स्क्रैचेस पड़े तो वो डिवाइस एकदम गंदी सी लुक का हो गया। हालांकि मैं कवर में ही यूज करती हूँ, लेकिन तब भी शूट के टाइम पे या थोड़ा बहुत भी अगर बाहर निकालो तो डिवाइस के ऊपर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सैमसंग M51 मेरे पास 2 हैं और सैमसंग के मेरे पास लगभग 11 डिवाइसेस हैं जिनकी बैटरी खराब हो चुकी है
और मतलब मेरे पास अभी तक अगर आप देखें जब से मेरे चैनल स्टार्ट हुआ है लगभग 3 साल से मेरे पास सारे फ़ोन होते हैं, और इतने सारे फ़ोनों में एक ओप्पो का डिवाइस एक ख़राब हुआ है जिसकी बैटरी फूल गई है, उसके अलावा सारे मेरे पास सैमसंग के ही फ़ोन हैं 11 जिनकी बैटरी फूल गई है, और मतलब अब वो डिवाइस कभी भी फट सकते हैं, मतलब खतरे की बात है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आप इस फ़ोन को या सैमसंग के किसी फ़ोन को ख़रीदते हैं तो उस पर इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने उस फ़ोन को सेकेंडरी फ़ोन की तरह मत लेना, अपने मेन फ़ोन की तरह रखना। अगर आप उसको एक महीना भी छोड़ दोगे, उसको चार्ज नहीं करोगे, तो उसकी बैटरी स्वेल अप हो जाएगी, तो आपका नुकसान हो सकता है, फोन घर में फट जाए, किसी को लग सकती है, बहुत दिक्कत की बात है। अब आगे बात करते हैं डिवाइस की सबसे तगड़ी चीज के बारे में, जो कि है हमारा इसका चिपसेट, इसका प्रोसेसर। इस डिवाइस के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 778G का प्रोसेसर मिल जाता है, पावरफुल प्रोसेसर है ये हमारा। मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है। उसके साथ एंटूतु स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा 5 लाख आया है। इसके साथ इस डिवाइस से कुछ क्वेश्चंस भी बहुत लोगों के आ रहे हैं कि क्या हमें इस डिवाइस के अंदर EMMC स्टोरेज मिल रही है या हमें UFS 2.1 की स्टोरेज मिल रही है। एक्चुअल में ब्रांड ने ये चीज मेंशन नहीं करी, मतलब ब्रांड का तो ये होता है आजकल कि अगर कोई बढ़िया चीज दी है तो उसको तो जगह जगह बड़ा बड़ा मेंशन किया होता है, लेकिन कहीं पे अगर कोई गड़बड़ है, कोई घोटाला है, तो उस चीज को छुपा देते हैं, कहीं बताते ही नहीं है। तो स्टोरेज यहाँ पे कौन सी है वो चीज आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है, तभी कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जब स्टोरेज रन किया तो मेरे यहाँ पे 880 Mbps की हमारी रीड स्पीड आई है और 500 Mbps की राइट स्पीड आई है। रीडिंग से तो पता चल रहा है कि डिवाइस के अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, जो कि वैसे देखा जाए तो 26,000 रुपए के बजट में जैसे डिवाइस लॉन्च किया गया, तो उस हिसाब से हमें थोड़ी स्लो हमें यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्किंग में हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप हैवी एप्स चलाते हैं, कोई भी हैवी टास्क करते हैं, तो वहां पे आपको डिवाइस के अंदर लैगिंग फील होगी। मतलब इवन मैंने यहाँ पे BGMI गेम लगाई थी जिसके HDR ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट हाईएस्ट सेटिंग्स पे अगर आप गेम को खेलते हो तो वहां पे आपको लैगिंग स्टटरिंग देखने को मिल जाती है। नॉर्मल सेटिंग्स पे, छोटी सेटिंग्स पे अगर आप खेलोगे तो वहां दिक्कत नहीं आ रही। एक्चुअल में प्रोसेसर तो हमारा तगड़ा दिया गया है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ जो रैम की और स्टोरेज की कर दी है, उससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो गई है। अब इसके साथ ही गेमिंग में आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि डिस्प्ले जो है हमारा 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है। मतलब 120Hz के अंदर आपको यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, स्मूथ एनिमेशंस मिलेंगे, तो कार रेसिंग वाली गेम तो मजेदार वाली हो जाती है। उसके साथ आप स्क्रॉलिंग फास्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको बढ़िया यहाँ पे स्मूथ लगेगा डिवाइस का डिस्प्ले। और अच्छी चीज ये है कि डिवाइस का डिस्प्ले का साइज सेम रखा गया 6.7 इंच का, जो मुझे ठीक लगता है बिल्कुल। और उसके साथ आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको बढ़िया ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट डिस्प्ले लगेगा, अच्छे व्यूइंग एंगल्स के साथ। सनलाइट में भी डिवाइस के डिस्प्ले को आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मूवीज वीडियोज को आप अच्छे से एंजॉय कर लेंगे डिस्प्ले वाइज बोल रही हूँ। ओवरऑल आप मूवीज वीडियोस को इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल स्पीकर है नीचे की साइड। एक्चुअल में ऑडियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी कम या थोड़ी फटी या थोड़ी दबी दबी सी आ रही हो, तो आप मूवी को क्या एंजॉय कर लोगे, बेशक कितने बढ़िया कलर्स आ रहे हो। तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि सैमसंग ने इस डिवाइस के अंदर, इस बजट में हमें सिंगल स्पीकर दिया है। यहाँ पे आपने सुना इस डिवाइस का हमारा ऑडियो आउटपुट, जो कि मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। इसके अलावा इस डिवाइस की अगर मैं यूआई की बात करूँ तो हमें इसके अंदर वन यूआई 3.1 मिल जाती है, जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉइड 11 पे। साथ ही आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी मिल जाती है, तो मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे काफी सिक्योर्ड हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे मतलब कैमरा में एक मेजर जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली वो सेटअप के अंदर ही थी। आपको डिवाइस के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और हमारा 5 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसर वाला लेंस था वो हटा दिया गया है। मतलब वो क्यों हटा दिया गया, आपको जो मिलता है उसमें इतना मजा नहीं आएगा जो पहले आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सैंपल्स आपके सामने है, 12 का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 5 का आपको मैक्रो मिलता है। 5 के मैक्रो में आप अच्छी डिटेलिंग वाली अच्छी पिक्स अपने कैप्चर कर लेंगे, अल्ट्रा वाइड में भी आपके पिक्स बढ़िया आएंगी अच्छे डायनेमिक रेंज के साथ, अच्छे कलर्स के साथ। उसके साथ 64 वाले के अंदर भी आपको यहाँ पे अच्छी डिटेलिंग, अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, एक्सपोजर को यहाँ पे ठीक मेंटेन कर रहा है कैमरा, और कलर्स हमारे थोड़े से एनहेंस जा रहे हैं, तो आपकी बढ़िया पिक्स आ रही हैं। लेकिन बुके मोड के अंदर उतना मजा यहाँ पे अभी नहीं आ रहा। इसके अलावा सेल्फी कैमरा की बात करूं तो वो हमारा सेम है 32 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको काफी अच्छी पिक्स यहाँ पे मिल जाती है। और आप देख सकते हैं
सैम्पल्स यहाँ पे जिसके अंदर आपके कलर्स अच्छे आएंगे, स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है कैमरा, बुके मोड के अंदर आपको एज डिटेक्शन काफी सही मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लरिंग को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं पिक लेने के बाद भी। और अगर मैं वीडियोग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सैम्पल हमारे फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों का। आपको OIS का सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता लेकिन स्टेबलाइजेशन हमारे EIS के साथ ओके आपको मिल जाती है। एक्सपोजर को यहाँ पे मेंटेन कर पा रहा है हमारा डिवाइस लेकिन और उसके साथ कलर्स भी हमारे थोड़े से एनहेंस जा रहे हैं। सेल्फी कैमरे का वीडियो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आपको स्किन टोन अच्छे से मेंटेन कर रहा है, बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको काफी ओके मिल जाती है यहाँ पे और स्टेबलाइजेशन भी मुझे ओके ही लगा। सो गाइस ये था हमारा डिवाइस, हमारा सैमसंग का M52 5G जो कि एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो डिवाइस के अंदर सैमसंग ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करना चाहिए था जो मुझे लगता है वैसे काफी टाइम से डिले किया हुआ है सैमसंग ने। जैसे चार्जिंग हो गई, चार्जिंग आज की डेट में बहुत अच्छी, बहुत फास्ट चार्जिंग हमें मिल जाती है लेकिन सैमसंग अपने वही 15 वॉट 25 वॉट पे ही है। उस पे मुझे लगता है सैमसंग को अब जरूरी हो गया है कि प्लीज इस पे काम करें और लोगों को अच्छी चार्जिंग दें अपने फैंस को, और उसके साथ यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है उस पे भी काम करना चाहिए। मतलब बहुत हो गया, प्लास्टिक में अच्छी फील नहीं आती। बंदा अगर 26,000 रुपये का डिवाइस खरीद रहा है तो उसके अंदर अच्छी फील तो उसको मिलनी चाहिए ना। मतलब आज की डेट में 2022 में हम जाने वाले हैं और प्लास्टिक का फोन बंदे ने पकड़ा हुआ है 26,000 रुपये में, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अपने फैंस को आप बढ़िया चीज़ दो यहाँ पे, और इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ देते हो डिवाइस के अंदर तो वो पूरी दो। मतलब जैसे आपने अगर परफॉर्मेंस बढ़िया दी है, प्रोसेसर तगड़ा दिया है, तो उसके साथ स्टोरेज भी अच्छी देते ताकि बंदा पूरी तरह यूज़ कर पाता। सो ये था मेरा ओपिनियन इस डिवाइस के बारे में। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फ़ोन आपको कैसा लगा और क्या फीचर इसका बढ़िया लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना कर दें।